वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। एक सलाह आप सबसे लेना है कि ये सलाह कैसा है। देखिए अभी इस वीडियो में जितना क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल आपको देखने को मिलेगा, यानी इसी लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल आपको देखने को मिलेगा। सोल्यूशन आपको बेहतरीन तरीका से अभी आपको करके बताने वाले हैं, यानी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक भी आपको सिखाने वाले हैं। देखिए पहले का क्वेश्चन ये दिया गया है, यानी एक प्रकार का यानी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए दिया जाएगा कि यदि ए या बी जैसा चिन्ह है ना, यानी ए जैसा है या बी जैसा है ना, इसे हम लोग कहेंगे अल्फा बीटा पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इफ यानी यदि ए अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक, यानी इतना का शून्यक ए यानी अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा हो तब इसका मान क्या होगा, यानी चार गो ऑप्शन दिया है। देखिए कैसे बनाइएगा बेहतरीन, इसका तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए यानी ये जो दिया है ना, यहाँ पे अल्फा है या बीटा है, जैसे कि देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहे कि वन भागा दो और प्लस दो भागा वन रहते, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते, दो एक का हम यहाँ पे एलसीएम लेते, यानी एलसीएम लेके हम बनाते ना, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है ना, तो इसे भी हम अल्फा और बीटा का यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए अल्फा और बीटा का हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यही ना इसका एलसीएम हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए अल्फा बीटा में यहाँ पे बीटा से भाग दीजिएगा, यानी हम भाग देंगे तो ये बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, ये अल्फा एगो बचा ऊपर, यहाँ पे एगो अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा में इस अल्फा से हम भाग देंगे तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो बचेगा कितना बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए एक सूत्र आपको याद है पहले, यानी एक सूत्र यहाँ पे जानते होंगे आप पहले से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते हैं कौन दिक्कत नहीं है, जान लीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही इसका सूत्र होता है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे है ना, यानी सूत्र पर यह आधारित है, तो ए प्लस बी का होल यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही तो सूत्र होता है। बस यही सूत्र का यूज यहाँ पे हम कर लेंगे, बस क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पे यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, बस हो गया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम पूछेंगे कि इसमें बताइए ए बी सी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे बताइए ए का मान इसमें कितना है, तो एक का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक से गुना हुआ है ना, तो एक है ना, तो ए का मान एक हो जाएगा। हम पूछेंगे कि इसमें बताइए बी का मान इस समीकरण में कौन है, तो आप कहेगा बी के मान इसमें माइनस तीन है, x के साथ ही यहाँ पे माइनस तीन से ना गुना हुआ है, तो माइनस तीन इसका बी का मान हो जाएगा, काथी का मान होगा बी का मान हो जाएगा, और सी का मान पूछेंगे तो आप कहिएगा कि यहाँ पे पांच हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए एक सूत्र आप पहले से जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यही ना सूत्र होता है, कहेगा कि हाँ यही सूत्र होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो इसमें बी का मान कौन है, बी का मान यहाँ पे माइनस तीन है, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए का मान कितना है, ए का मान एक है, तो एक यहाँ पे तीन में एक से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, तीन हो जाएगा, तो ये तीन हो गया, ठीक है। यानी ए अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग कितना निकाल लिए, यहाँ पे तीन इसका निकल के चलाया, और यहीं पे हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज है अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, इसीलिए यहाँ पे इस समीकरण में से ये सब का मान निकाल के पुट कर देंगे, यानी इसमें रख देंगे, ये क्वेश्चन अपना बन जाएगा, ठीक है। यानी इसी लेवल का क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है, तो सी का मान कितना है, पांच है, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे ए का मान एक है, तो यहाँ पे पांच में एक से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, पांच होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, पांच आ गया। तो अब इस समीकरण में यहाँ पे
रख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा बीटा का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 इसमें रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब कि 3 को 2 बार गुना कीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 बार गुना कीजिए, तो ये 3 तीन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हम भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा है ना, तो यहाँ पे देखिए अल्फा यहाँ पे 2 है तो 2 रहने दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल के आया 5, और इसके नीचे यहाँ पे देखिए ये सूत्र को ना तुरे थे यहाँ पे तो इतना निकल के आया, और नीचे अल्फा इंटू बीटा है ना, तो देखिए नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल के आया था 5, तो यहाँ पे 5 नीचे ऐसे रख लीजिए। अब देखिए 5 दुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे 5 हो जाएगा, 9 में से यहाँ पे 9 में से माइनस 10 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा माइनस 1 होगा, क्योंकि 10 में से 9 घटाएगा तो 1 हो जाएगा, और बड़का चिन्ह का थी का है माइनस का है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा, और नीचे 5 है तो यहाँ पे 5 ऐसे दे दीजिए, यानी माइनस 1 बटा 5 यही इसका क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है लेकिन इससे से थोड़ा सा ये हल्का है, ठीक है, इसे आप थोड़ा सा अब बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो किसी भी क्वेश्चन को मत बनाइए, आराम से इस वीडियो को देखते रहिए, सबका सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए फिर ये उसी टाइप का है, तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा बीटा कट गया तो ये अल्फा बचा, अल्फा में 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा, यानी अल्फा स्क्वायर नहीं होगा भाई भाई, यहाँ पे देखिए ये अल्फा अल्फा कट गया तो बचा बीटा ना केवल, तो बीटा में यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो बीटा ना हो केवल होगा, नहीं बुझा रहा है क्या, देखिए फिर से यहाँ पर समझिए, अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम आप ले लिए, तो ले लिए हम, तो देखिए ये अल्फा कट गया तो ये बीटा बचा, बीटा में 1 से गुना कीजिएगा तो ये बीटा क्यों ना होगा, कहेगा कि हाँ ये बीटा ही होगा, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिएगा, ये बीटा बीटा कट गया बचा अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा ऐसे लिख दीजिए, देखिए ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है, यही ना होता है, ये देखिए माइनस बी बटा ए जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, नीचे वाला जो है यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लौक रहा होगा, ये नीचे वाला ए जो है ना सबसे ऊपर चल जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा, तो ये क्या होगा ये सी इसके साथ आ गया, तो ये अल्फा यानी ये ए कट गया तो बचा कितना बी बटा सी यानी माइनस बी बटा सी क्या हो गया, इसका हम लोग इसे हल किए तो ये माइनस बी बटा सी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए बी का मान कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो बी का मान कितना है माइनस 1 है, बी का मान माइनस 1 है, ए का मान हम पूछेंगे तो 1 हो जाएगा, सी से भी मान सी का भी मान पूछेंगे तो 1 के होगा, होगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो ये ए का मान हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं छुपा हुआ तो 1 छुपा हुआ है, तो ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया, आंसर निकल के क्या आया था माइनस बी बाई ए, तो यहाँ बी का मान कितना था यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना होगा, ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान कितना होगा माइनस 1 होगा, सी का मान कितना होगा 1 होगा, यही ना होगा, एथी निकल के यहाँ पे इसे हल किए थे तो इसका मान निकल के कितना आया था माइनस बी बटा सी आया था ना, तो यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है माइनस 1 है, और बी माइनस बी बटा सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और सी का मान कितना है यहाँ पे सी का मान 1 है, तो 1 से यहाँ पे भाग 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 यानी एक जैसे कि एक मर्तबे कटेगा तो ये एक के हो जाएगा, ठीक है, यानी एक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ये बुझा गया, ठीक है, यहाँ पे कोई मान भी रख के पूछ लिया जाएगा, जैसे कि देखिए 3x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 2x रहेगा, और यहाँ पे 4 या 5 रहेगा, इस तरह भी कोई यहाँ पे मान रख के पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पे ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये माइनस 2 या सी का मान हो जाएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया ना। चलिए थोड़ा सा हम रेस धरते हैं, ठीक है, जल्द जल्द ये सभी क्वेश्चन को आपको बतला देते हैं। देखिए ये एपी का इतना के 7वां पद कौन सा होगा, कोई भी पद आपसे पूछा जाए, ट्रिक भी आपको सिखा देते हैं। देखिए टीएन का सूत्र आप जानते हैं, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही ना होता है, जो ए का मान यहाँ पे 5 है,
एन का मान यहाँ पे सातवा कह रहा है ना, तो एन का मान यहाँ पे सात है और एक घटाना है। और डी का मान इसमें देखिए दुसारका में से पहल का, यानी सात में से पांच घटाइएगा तो कितना होगा, दू होगा, या ग्यारह में से नौ घटाइएगा तो वह दू होगा, या नौ में से सात घटाइएगा तो वह दू होगा, यानी दुसारका में से पहल का घटा लीजिएगा तो डी का मान चलाएगा। तो सात में से पांच घटाइएगा तो कितना होगा, दू होगा, तो यहाँ पे दू ऐसे रख लीजिए, यहाँ पे पांच हो जाएगा, घटाइएगा सात में से एक घटाइएगा तो ये छ हो जाएगा, और यहाँ पे दू से गुना कीजिएगा तो छ दू ना ये बारह हो जाएगा, आप बारह पांच कितना हो जाएगा, ये सत्रह हो जाएगा, यानी सत्रह यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कौन है सातवां पद क्या होगा, सत्रह होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक भी आपको बहुत सारा वीडियो में सिखाए हैं, लेकिन ट्रिक भी एक बार आप सीख लीजिए। देखिए जब भी यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी पद आपको दिया जाएगा इसमें से एगो कम कर लीजिएगा, सातवां है ना तो छ कर लीजिएगा, दसवां रहेगा तो एगो कम कर लीजिएगा तो नौ कर लीजिएगा, चौदहवां पूछा जाएगा तो एगो कम कर लीजिएगा तेरह कर लीजिएगा, सातवां पूछा गया है तो छ कर लीजिएगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दुसारका में से पहल का यहाँ पे घटा लीजिएगा, क्या कीजिएगा, दुसारका में से पहल का यहाँ पे घटा लीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पे दू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे दू ऐसे रख लीजिएगा, यानी दुसारका में से डी का मान से गुना कर लीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो छ दूना कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, और फिर इसमें पहल का जोड़ दीजिएगा तो बारह पांच कितना हो जाएगा, सत्रह, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक भी आपको सिखला दिया ना, इसमें यहाँ पे जो भी पद दिया जाएगा एगो कम कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे डी से गुना कर लीजिएगा, नहीं सर्वे अंतर से गुना कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे और पहल का जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन इस साल के लिए क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखिए जब भी ये क्वेश्चंस दिया जाएगा तो ये बारह ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने में लगेगा, तो केवल ये डाटा यहाँ पे देखिएगा, ये मान केवल देखिएगा, दो गो चीज आपको देखना है, जैसे कि एक बार हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों की, यानी दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं तीन अनुपात पांच के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे है, यानी इन यानी क्षेत्रफलों का अनुपात है, बताइए, चार गो ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, कैसे बनाइएगा, देखिए सबसे पहले समरूप जहां पर भी मिलेगा यहाँ पे संगत भुजाएं दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए दो तरह का इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तो क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए दिया जाएगा, एक क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाएगा, और एक भुजा का मान पूछा जाएगा। ठीक है, यानी ऊंचाई ऊंचाई दिया जाएगा, उसका मान दिया पूछा जाएगा, यहाँ पे दो यहाँ पे हर क्वेश्चन में रहेगा, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं का अनुपात इतना है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, या ऊंचाई का अनुपात बताइए, या भुजा का अनुपात बताइए। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में जब भी होता है तो स्क्वायर करते हैं ना क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखते हैं ना यहाँ पे स्क्वायर, तो जब भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ना केवल स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे दो से यानी दुगना कर दीजिएगा, इस पे स्क्वायर कर दीजिएगा, तीन का स्क्वायर कीजिएगा तो नौ हो जाएगा, पांच का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी 9 अनुपात 25, यानी 9 अनुपात 25 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो क्षेत्रफल हम लोग हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है, और यहाँ पे ऊंचाई का मान पूछा जाए या भुजा का मान पूछा जाएगा ना, तो बस केवल करना क्या है, रूट चढ़ा देना, क्षेत्रफल का मान दिया जाएगा तब रूट चढ़ा दीजिएगा, तो 16 के वर्गमूल कितना होता है, 4, 5 का कितना, 25 का क्या होता है, 5, यानी 4 अनुपात 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल ये बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यानी ये दो टाइप में से एक क्वेश्चन आपको जरूर इस साल देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र याद है तो बहुत बेटर है, नहीं याद है कौन दिक्कत नहीं है, देखिए हम डायरेक्ट आपको बनाने का तरीका आपको बतलाते हैं, नहीं तो ये दूरी सूत्र क्या कहता है, यानी यहाँ पे दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है, लेकिन ये सूत्र याद नहीं है फिर भी आपसे क्वेश्चन से बनेगा, कैसे बनेगा बतलाते हैं। देखिए कैसे आप बनाएगा, इसे यहाँ से थोड़ा सा हम मोड़ते हैं, काम एक काम कीजिएगा, दुसारका में से पहल का आप घटा लीजिएगा, बस दुसारका में से पहल का, तो दुसारका के मान कितना है, दुसारका के माइनस दू है, दुसारका में से पहल का घटाना है तो यहाँ पहल का ऐसे घटा लीजिएगा, और यहाँ पे ऐसे ब्रेकेट दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा,
फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिएगा, फिर दुसारका में से पहल का घटा लीजिएगा, और फिर इसे क्या कीजिएगा स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा। ये फॉर्मेट याद रखिएगा कि दुसारका में से पहल का, दुसारका में से पहल का, ठीक है। चलिए माइनस दू गो माइनस दू गो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड दू दू कितना हो जाएगा चार, लेकिन माइनस ए होगा, ठीक है, ये दू हो जाएगा, ठीक है, यानी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये देखिए प्लस तीन और माइनस तीन एक कट गया, तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाता है। फिर इसे आप ऐसे आप ब्रेकेट बंद कीजिएगा, देखिए माइनस चार अगुने माइनस चार, यानी देखिए ये स्क्वायर का मतलब होता है कि दो बार, इसे यहाँ पे दो है तो यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको दो बार गुना कीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चार चौका क्या हो जाएगा आ सोलह हो जाएगा, यहाँ पे रूट सोलह हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हट गया, और सोलह का वर्गमूल कितना होता है चार होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर चार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बस यही ट्रिक आप याद रखिएगा, दुसारका में से पहल का, दुसारका में से पहल का, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए सातों नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु इतना माइनस तीन किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है, ये ऐसे पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे प्लस का चिन्ह दीजिएगा, ये दाहिना हाथ जहां पर भी रहेगा उसको मानिएगा एक्स, और बावा हाथ को यहाँ पे मान लीजिएगा एक्स डैश, ऊपर मानिएगा वाई और नीचे मानिएगा वाई डैश। चतुर्थांश वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे x का मान प्लस दीजिएगा, x से x देखिए यहाँ पे x हो या y हो, इस पे डैश नहीं रहेगा उसके लिए प्लस का चिन्ह दीजिएगा, x डैश हो या y डैश हो उसके लिए माइनस का चिन्ह दीजिएगा, और सबसे पहले x का मान लिखिएगा और तब बाद में y का मान लिखिएगा। क्यों? क्योंकि पहले x आता है तब बाद में y आता है, ऐसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के लिए यहाँ पे ऐसे प्लस दीजिएगा, यहाँ पे y है, y पर डैश फैस कुछ नहीं है तो इसके लिए भी यहाँ पे प्लस दीजिएगा। यहाँ बोले हैं कि x और y रहेगा तो उसके लिए प्लस प्लस यहाँ पे दीजिएगा, उसके लिए प्लस होगा, डैश रहेगा उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा। सबसे पहले x का मान लिखिएगा और बाद में y का मान, क्यों? क्योंकि पहले x आता है बाद में y आता है इसीलिए, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले x का मान आपको लिखना है, तो ये डैश है तो डैश के लिए माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है y है इस तो डैश नहीं है, तो यहाँ पे बाद में y का मान लिखना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर x का मान माइनस, यहाँ पे y का भी यहाँ पे डैश है तो इसके लिए भी माइनस, x प्लस वाई माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पर कुछ डैश नहीं है इसके लिए, यानी इसलिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे डैश है तो इसलिए इसका मान माइनस। पहले x का मान क्यों लिखे हैं? क्योंकि पहले x आता है बाद में y आता है, बिल्कुल ये बुझा गया ना। तो घड़ी कैसे चलता है ध्यान दीजिएगा, घड़ी ऐसे चलता है ना, यहाँ पे बारह रहेगा एक दो तीन ऐसे ना चलता है, तो घड़ी के दिशा में आपको नहीं चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको चलना है, यानी एंटी क्लॉक वाइज चलना है, क्लॉक वाइज नहीं चलना है, यानी ऐसे आपको चलना है। तो इसका मान पहल का दीजिएगा, इसका मान ये दूसर का हो जाएगा, ये तीसर का हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस तीन यहाँ पे क्या है, माइनस तीन और माइनस तीन पूछा जा रहा है, यानी माइनस माइनस पूछा जा रहा है कि ये किस चतुर्थांश में यानी किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस किस में आता है, तो माइनस माइनस ये तृतीय यानी तीसरका में आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा तृतीय, माइनस माइनस तृतीय में ना आता है, यहाँ पे तीसरके में ना आता है, तो इसका आंसर तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये चतुर्थांश आपको बनाने आगे ना, दाहिना हाथ को एक्स मानिएगा, उसके जस्ट इधर एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, एक्स एक्स रहेगा तो उसके लिए प्लस, यानी इस पे डैश कुछ नहीं रहेगा तो उसके लिए प्लस, और फिर एक्स डैश या वाई डैश रहेगा उसके लिए माइनस। सबसे पहले एक्स का मान लिखिएगा फिर बाद में वाई का मान लिखिएगा, क्यों? क्योंकि पहले एक्स आता है एबीसीडी में, बाद में वाई आता है, ठीक है। और घड़ी के दिशा में अगर ये घड़ी ऐसे चलता है, आपको घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉक वाइज आपको चलना है, तो ये पहल का हो जाएगा, ये दूसर का, ये तीसर का, ये चौथ का हो जाएगा। बिल्कुल ये चतुर्थांश आपको बुझा गया होगा, यानी एक मिनट दो मिनट आपका समय ले लिए, लेकिन यही इसी चीजों को बताने में कोई कोई दस से बारह मिनट लगा देते हैं, दो मिनट समय लिए लेकिन आपको बढ़िया से आपको बतला दिया, बिल्कुल आपको बुझा गया ना। चलिए यहाँ पे देखिए
यह आठवां नंबर क्वेश्चंस देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेगा तो बस एक और चीज आप चेक कीजिएगा कि साइन 50 डिग्री है, नीचे कॉस 40 डिग्री है। एक क्वेश्चंस भी इस प्रकार का आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाएगा तो इसका मान एक होगा। क्या होगा? इसका मान एक होगा। 50 को 40 को जोड़िएगा तो कितना हुआ? 90 हुआ ना, तो 90 का मान एक हो जाएगा। बस याद रखिएगा, ये ट्रिक है, ठीक है। ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाएगा तो इसका मान एक होगा। क्या होगा? इसका आंसर एक होगा। और एक और चीज चेक कीजिएगा, यानी इसका उल्टा यहाँ पे दिया गया है ना, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है ना। जैसे कि देखिए इस सूत्र का हम बात कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं? 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है ना। यानी यहाँ पे यह भी चेक कीजिएगा, इसका उल्टा यहाँ पे रहेगा जरूर। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो डाटा यही सेट करके दिया जाता है, ठीक है, कि उल्टा ही दिया जाता है, चेक करने का कोई जरूरत नहीं। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कीजिएगा, तो इसका उल्टा नीचे यहाँ पे दिया रहेगा और ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाएगा तो इसका आंसर एक होगा, ठीक है। अब बिल्कुल ये बुझा गया। अगर यहाँ पे 2, 5 किसी चीज से गुना किया जाएगा तो इसका तो मान एक हो गया, और जाति से गुना किया जाएगा उसका भी मान गुना एक में उससे गुना कर दीजिएगा, आंसर आपको निकल के चलाएगा। नहीं बात ये बुझाया होगा तो यहाँ पे बुझा जाएगा। देखिए 38 डिग्री और 52 डिग्री को जोड़िएगा तो ये 90 डिग्री हो गया ना, इसके उल्टा यहाँ पे दिया गया है। ये चेक करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो वैसे ही डाटा सेट करके दिया जाता है। तो इसका तो मान पूरा एक हो गया, यहाँ पे 2 से गुना है तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल ये बुझा रहा है ना, तो इसे भी जोड़िए, 18 डिग्री और 72 डिग्री जोड़िएगा तो ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री जब पूर गया तो इसका आंसर एक हो जाएगा। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा ना, मजेदार ये सभी क्वेश्चन आपको लगाना, यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस साल एग्जाम में आपको पूछने वाला है, ठीक है। चलिए इसमें बस इतना ही। और यहाँ पे देखिए, एक बोले थे ना वीडियो के शुरू में कि एक राय आप सबसे लेना है, यानी एक सलाह लेना है। देखिए आज से ये क्लास स्टार्ट किए हैं 10th का, नहीं तो पहले 12th का ही पढ़ाते थे। दोनों का पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी 10th का भी पढ़ाएंगे, 12th का भी पढ़ाएंगे। तो 10th वाले स्टूडेंट इस वीडियो कमेंट में हमें यह बात जरूर आप बताइएगा, मिसलेनियस कराए, यानी पूरा चैप्टर से क्वेश्चन कराए। यानी देखिए ये जितना ये सीरीज स्टार्ट है ना, अगर ये पूरा क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर आप देख कर जाते हैं तो 50 जितना भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में, 100% हम आपको लिख के देते हैं कि आपसे सभी क्वेश्चंस देखते ही में उसका आंसर आप बनाते फटाक फटाक चलेगा, क्योंकि लेवल वाइज क्वेश्चंस कराएंगे। जो सेम क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को कई सारा सेम क्वेश्चंस मिलेगा, और जितना कराएंगे ना उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक भी आपको सिखाएंगे, बीच में सिखाते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मुद्दा पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बात नंबर, यहाँ पे ध्यान से ये बात सुनिएगा, इस वीडियो कमेंट में हमें अपना राय दीजिएगा। देखिए मिसलेनियस कराए, पूरा किताब से क्वेश्चंस कराए कि चैप्टर वाइज आपको कराए। चैप्टर वाइज 25 से 30 को आपको क्वेश्चंस लाएंगे, 25 से 30 को जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें कई सारा ट्रिक भी आपको सिखाएंगे चैप्टर वाइज में। चैप्टर वाइज करा दे कि आपको ये मिसलेनियस ऐसे ही करा दे, आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि चैप्टर वाइज करा दीजिए, नहीं तो जैसे ये करा रहे हैं वैसे ही करा दीजिए, मिसलेनियस ही करा दीजिए, ठीक है, मिक्स ही क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है, ठीक है। यानी ये आपको बताना है कि चैप्टर वाइज 20 से 25 को आपको बतलाएंगे एक चैप्टर से, यानी लगभग आपका, जैसे कि देखिए लगभग 15 से 17 क्लास में आपका पूरा खलास हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, फिर उस पर से सब्जेक्टिव आपको ला देंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज चाहते हैं कि मिसलेनियस ऐसे ही जैसे अभी आपको कराए हैं और वैसे चाहते हैं, इस वीडियो कमेंट में हमें आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।